वेलकम टेंथ क्लास। अब सो आप लोग सब ठीक होंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था वो था चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्कोप। मैंने आपको बताया था कि इसको थोड़ा सा रीड आउट कीजिएगा। व्हाट इज़ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन वर्किंग विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इट इज़ अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू डिटेक्शन ऑफ चार्ज, किस लिए यूज़ होता है, चार्ज की डिटेक्शन के लिए। ठीक है जी। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास रोड विद अ ब्रास डिस्क एट द टॉप एंड टू थिन लीव्स ऑफ गोल्ड फॉइल हैंगिंग एट द बॉटम। ये देखिए जी, ब्रास डिस्क, ये एक इंसुलेटर है, ये ब्रास रॉड है ये वाला, और ये लीव्स हैं इसके दो, ये पूरा जार है और यहाँ से ये ग्राउंडेड है। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल के साथ। इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास रॉड विद अ ब्रास डिस्क एट द टॉप एंड टू थिन लेयर्स ऑफ गोल्ड फॉइल हैंगिंग एट द बॉटम। द रॉड पासिस थ्रू एन इंसुलेटर दैट कीप्स द रॉड इन प्लेस एंड ऑल्सो रिटेन्स द चार्जेस। ठीक है जी, ये जो रॉड है एक इंसुलेटर के थ्रू दो लीव्स के साथ जुड़ी हुई है। द रॉड पासिस थ्रू एन इंसुलेटर दैट कीप्स द रॉड इन प्लेस एंड ऑल्सो रिटेन द चार्जेस। ओके जी, अब काम कैसे करते हैं ये। चार्जेस कैन मूव फ्रीली फ्रॉम द डिस्क टू द लीव्स थ्रू द रॉड। इस डिस्क से, इस रॉड के थ्रू चार्जेस मूव करते हैं डिस्क से लीव्स तक। ठीक है, अ थिन एल्यूमिनियम फॉइल इज अटैच्ड एट द लोअर पोर्शन ऑफ इनसाइड ऑफ द जॉट। यूजली द एल्यूमिनियम फॉइल इज ग्राउंडेड बाई कनेक्टिंग कॉपर वायर, दिस प्रोटेक्ट द लीव्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ये ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, वर्किंग प्रिंसिपल। व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू द डिस्क, जब भी कोई चार्ज हुई हुई बॉडी इस डिस्क के पास लाई जाती है, जो डिस्क है, द गोल्ड लीव्स विल शो डाइवर्जेंस। तो ये जो लीव्स हैं इसके वो क्या शो करते हैं, ऐसे डाइवर्जेंस शो करते हैं। व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू द डिस्क द लीव्स विल नॉट शो बाय। अच्छा, क्या प्रिंसिपल है जी, जैसे ही कोई चार्ज बॉडी इस डिस्क के पास लाई जाती है तो ये डाइवर्जेंस शो करते हैं, और जब कोई अनचार्ज बॉडीज के पास लाई जाती है तो ये कोई डाइवर्जेंस शो नहीं करते। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप हाउ यू कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, किस तरह जी आप एक बॉडी के ऊपर चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करते हुए। आप उसको आपकी वर्किंग, आपको उसकी वर्किंग सब जानना चाह रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या है जी, डिटेक्शन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी, ब्रिंग द बॉडी नियर द डिस्क ऑफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास वो जो भी डिस्क के ऊपर आपने, जो भी बॉडी जिसके ऊपर आपने चार्ज फाइंड करना है वो लेके आते हैं। नोट योर ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ द रिजल्ट। इफ़ द बॉडी इज न्यूट्रल देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन ऑफ लीव्स। अगर बॉडी न्यूट्रल होगी तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। इफ़ द बॉडी इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज। ऐसे अगर पॉजिटिव या नेगेटिव के ऊपर चार्ज होगा तो वो क्या होंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज देन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द डिस्क वाइल नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द लीव। अब देखें, अगर ये बॉडी, लेट्स सपोज पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही इस ब्रास के इसके पास लेके आएंगे हम, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिस्क के पास इसको हम लाएंगे तो नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इसके गिर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ चला जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा इन जो हमारे लीव्स हैं इनके ऊपर। ठीक है, द लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप रिपेल ईच अदर एंड डाइवर्ज। अब इन दोनों के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज बनेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फिर ये क्या हो जाते हैं, डाइवर्ज, बिकॉज ईच लीव गेट सिमिलर चार्ज। द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब जितना ज़्यादा इसके ऊपर चार्ज होगा उतने ज़्यादा ये डाइवर्ज होंगे, और जितना कम चार्ज होगा उतने कम ये डाइवर्ज होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास
एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड कंडक्शन मेथड. चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. ठीक है जी, सबसे पहले ये कर लेते हैं, बहुत आसान सी बातें हैं, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रही हूँ. इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज बाई प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोस्कोप, ब्रिंग अ नेगेटिव चार्ज रॉड नियर द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप. अगर आप इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं, जो डिस्क के पास आप रॉड लेके आएंगे, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज विल अपियर ऑन द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप व्हाइल नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट टू लीव्स. पॉजिटिव चार्ज इस डिस्क के ऊपर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, जो आपके लीव्स हैं. नाउ कंटेंट द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप विद अर्थ एल्यूमिनियम फॉयल बाय कनेक्टिंग वायर. नेगेटिव चार्ज ऑफ द लीव्स विल फ्लो टू द अर्थ थ्रू वायर. अब ये जो अर्थ की वायर हमने लगाई होती है एल्यूमिनियम की, ये नेगेटिव चार्ज सारा इस पर आता है और इससे ज़मीन के अंदर चला जाता है. नाउ इफ़ वी फर्स्ट ब्रेक द अर्थ कनेक्शन एंड देन रिमूव द रॉड. अब हम पहले अगर ये अर्थ कनेक्शन रिमूव कर दें और फिर इस रॉड को दूर लेके जाएं, तो क्या होगा? द इलेक्ट्रोस्कोप विल लेफ्ट पॉजिटिव चार्ज. तो फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सारा अर्थ में चला जाता है. ठीक है, इंडक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली इसी तरह नेगेटिव चार्ज की इंडक्शन होगी. आप क्या करेंगे? कोई पॉजिटिव चार्ज वाली लेके आएंगे रॉड. वो रॉड इस डिस्क के अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा अपनी तरफ उसको खींच लेगा और पॉजिटिव चार्ज भेज देगा लीव्स पे. अब ये पॉजिटिव चार्ज जो हम लीव्स पे भेजते हैं, इसको एल्यूमिनियम वायर के साथ जोड़ेंगे थ्रू कॉपर वायर, और फिर वो क्या होगा? अर्थ में चला जाएगा सारा पॉजिटिव चार्ज. फिर ये अर्थ वाली वायर पहले हटा देंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो निकल गया. अब जब हम ये रॉड पीछे करते हैं, तो ये जो डिस्क है क्या चार्ज हो जाएगी? हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगी. ठीक है, चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप बाय कंडक्शन. इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. अभी तो ये हमने बाय इंडक्शन चार्ज किया ना सारे इलेक्ट्रोस्कोप को, अब हम इसको कंडक्शनली भी चार्ज कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं? टच अ नेगेटिव चार्ज रॉड विद द डिस्क ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप. नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द रॉड विल ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रोस्कोप एंड विल कॉज इट्स लीव टू डाइवर्ज. अब क्या होगा कि जो अगर आप ये तो हमने इंडक्शन के थ्रू किया ना, देखिए हमने टच कुछ भी नहीं किया था, दूर दूर रखा था. इसमें अगर आपने बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कंडक्शन करनी है, तो कंडक्शन में हम क्या करते हैं? चार्ज करते हैं ना किसी बॉडी को, टच करते हैं. तो आप कोई भी या नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हुआ वो रॉड इस डिस्क के साथ जोड़ेंगे, तो वो सारा उसका जो चार्ज है वो इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा. और अगर आप नेगेटिव चार्ज जोड़ते हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और अगर आप पॉजिटिव चार्ज जोड़ते हैं तो वो फिर क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है. ठीक है जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है इस आज के लेक्चर का, वो है डिस्क्राइब हाउ यू वुड डिटरमिन द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन अ बॉडी बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप. कि आप किस तरह चार्ज की नेचर डिटरमिन कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करते हुए, कि वेदर वो चार्ज पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है. डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज. फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इलेक्ट्रोस्कोप इज फर्स्ट चार्ज आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली. अगर आपने चार्ज की टाइप अगर आपने डिटेक्ट करनी है, तो आप पहले इलेक्ट्रोस्कोप को या पॉजिटिव चार्ज कर लें या फिर नेगेटिवली चार्ज कर लें. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप, ब्रिंग अ नेगेटिव चार्ज रॉड नियर द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप. अगर आपने पॉजिटिव चार्ज करना है अपनी इलेक्ट्रोस्कोप को, तो उसके पास आप नेगेटिव रॉड लेके आएंगे. ऐसे ही है ना, ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किया तो हमने नेगेटिव रॉड लाया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किया तो पॉजिटिव रॉड लाया था. ऑपोजिट रॉड्स लाते हैं. पॉजिटिव चार्ज विल अपियर ऑन द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप व्हाइल नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट टू द लीव्स. अगर आपने देखें नेगेटिव चार्ज वाला रॉड लाया, पॉजिटिव चार्ज डिस्क पे आएगा और नेगेटिव चार्ज आपके लीव्स पे आएगा. ये सारा फिनोमेना मैं आपको समझा चुकी हूँ कैसे. नाउ कनेक्ट द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप विद अर्थ एल्यूमिनियम फॉयल बाय कनेक्टिंग वायर. ये वो चार्ज करना आपको सिखा रहे हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको सारा. नाउ इफ यू फर्स्ट ब्रेक द अर्थ कनेक्शन एंड देन रिमूव द रॉड, द इलेक्ट्रोस्कोप विल लेफ्ट पॉजिटिव चार्ज. नाउ इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन बॉडी, ब्रिंग द चार्ज बॉडी नियर द डिस्क ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप. एंड नाउ अबाउट द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी रिजल्ट. इफ द डाइवर्जेंस ऑफ लीव इंक्रीज द कैरियर पॉजिटिव चार्ज एंड इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ लीव इंक्रीज द बॉडी चार्ज पॉजिटिव चार्ज. और अगर आप इसके गिर नेगेटिव चार्ज वाला लाते हैं, अगर आपकी जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर उसके पास आप नेगेटिव चार्ज वाला रॉड लाते हैं तो डाइवर्जेंस इंक्रीज होती है, और अगर आप उसके पास पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड लाते हैं तो डाइवर्जेंस डिक्रीज होती है. ठीक है,
इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ लीव डिक्रीज द बॉडी विल हैव नेगेटिव चार्ज. अगर डाइवर्जेंस इंक्रीज हो तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज हो तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है जी. हाउ वुड यू आइडेंटिफाई इंसुलेटर एंड कंडक्टर बाई यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप से किस तरह आप किसी भी चीज़ को कह सकते हैं कि ये इंसुलेटर है या ये कंडक्टर है. इलेक्ट्रोस्कोप कैन ऑल्सो यूज बाई इलेक्ट्रोस्कोप कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर. फॉर दिस पर्पज टच द डिस्क ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप विद मटीरियल अंडर टेस्ट एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंडीशन. नंबर वन, इफ द लीव्स कोलैप्स, इफ द लीव्स कोलैप्स फ्रॉम देयर डाइवर्ज पोजिशन द बॉडी विल गुड विल वुड बी गुड कंडक्टर. इफ द लीव्स कोलैप्स, अगर उसके लीव्स हैं वो कोलैप्स करते हैं फ्रॉम देयर डाइवर्ज. If the leaves collapse from their diverged position, the body will be good conductor. If there is no change in divergence of the leaves, it will show that the body under test is an insulator. ठीक है जी. अब ये एक दफ़ा फिर से मैं एक कहानी रिपीट कर रही हूँ कि कैसे हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करते हैं. जब इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर लेंगे तो फिर ये इसकी डिटेक्शन भी पॉजिटिव या नेगेटिव की शो करना ईजी होगी. आप एक इलेक्ट्रोस्कोप लें न्यूट्रल, ठीक है, उसके पास एक नेगेटिव रॉड लेके. ये नेगेटिव रॉड क्या करेगा, इस डिस्क के ऊपर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको अपनी तरफ खींच लेगा और नेगेटिव चार्ज को अपने से रिपेल कर देगा. जब वो रिपेल करेगा तो वो उसके लीव्स पे आ जाएगा. ठीक है, ये बात समझ आ गई. अब इसके अंदर से आप ये अर्थ वायर के थ्रू ये जितना भी नेगेटिव चार्ज आएगा उसको नीचे अर्थ में शिफ्ट कर दें और अर्थ वायर हटा दें. नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोस्कोप में से निकल गया. जब आप ये वाला रॉड दूर करते हैं तो फिर इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर कौन सा सिर्फ चार्ज रह जाता है, वो रह जाता है पॉजिटिव चार्ज. अब आपको कैसे पता चले कि आपकी जो चार्ज है वो जो रॉड आप लाए हैं वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है. आपको ये पता है कि आपकी इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है. जब आप उसके पास नेगेटिव चार्ज वाला रॉड लाएंगे ना तो ये जो लीव्स हैं ना ये क्या करेंगे, देखें नेगेटिव चार्ज आएगा ना तो वह फिर नेगेटिव को रिपेल करेगा. इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ लीव इंक्रीजेज, फिर क्या होगा कि ये जो अगर लीव्स है नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये और इसको रिपेल करेगा तो इनकी डाइवर्जेंस इंक्रीज हो जाएगी. तो हम इसका मतलब है कि जो हम रॉड लाए हैं वो नेगेटिवली चार्ज है. अगर हम रॉड पॉजिटिव वाला लाएंगे, पॉजिटिव वाला रॉड लेके आएंगे तो इनकी डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है. इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स इंक्रीज द बॉडी विल कैरीज पॉजिटिव चार्ज. इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स डिक्रीज द बॉडी विल चार्ज नेगेटिव चार्ज. अगर आप पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो डाइवर्जेंस इंक्रीज होगी, अगर आप नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो आपकी जो डाइवर्जेंस है वो कम हो जाएगी. इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स इंक्रीज द बॉडी कैरीज पॉजिटिव चार्ज. इफ द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स डिक्रीजेज द बॉडी चार्ज विल चार्ज नेगेटिव चार्ज. ठीक है जी, बात समझ आ गई. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.